तुमने भी ना जाने ये क्या क्या शौक पाल के रखे हुए हैं। मुझे ना तुम्हारा ये ऊपर जाके पैराशूट से कूदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डार्लिंग, एक बार तुम भी हवा में जाके देखो ना। एक बार जाओगी ना तो बार बार जाने की इच्छा होगी। जाने की बात तो दूर रही, मैं देखना तक नहीं चाहती क्योंकि तुम जानते हो ना मुझे ये ऊंचाइयों से कितनी डर लगता है। चलो अभी जो आदमी नीचे उतरा है ना, अभी चलकर उसे मुबारकबाद देते हैं। ओके? मुझे नहीं आना। ओ चलो यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन यार, कम ऑन कम ऑन। मुबारक हो भाई, आपने बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग की। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपके बारे में भी मैंने काफी कुछ सुन रखा है कि आप पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छी करते हैं। थैंक्स यार, बस कर लेते हैं। ओह, इनसे मिलिए, यह है मेरी गर्लफ्रेंड शीला। हेलो। ये भी पैराग्लाइडिंग करती है? इनका तो दूर दूर तक पैराग्लाइडिंग से कोई वास्ता नहीं है। बहुत डरती हैं ये। हाँ तो डरू नहीं तो क्या करूं? पता नहीं क्यों लोग अपनी जान देने पे तुले होते हैं। वैसे भी जरूरत क्या है कि ऊपर जाकर कूदने की? Anyway, मैं चलता हूं। All the best. Thank you. Okay. योगेश, जल्दी चलो, तुम्हारा नंबर आ गया। योगेश प्लीज मत जाओ, पता नहीं आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बच्चों जैसी बात मत करो शीला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके चलो। ये क्या सर, बैकलाइन तो कटी हुई है क्या? ये देखिए सर। खैर कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पैराशूट लेके आता हूँ। ठीक है ठीक है। योगेश। हाँ सर। सब अच्छी तरह से चेक कर लिया है ना? हाँ सर बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। रेडी हो तुम? हाँ बस सर, आपके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसा सुना था योगेश के बारे में, बिल्कुल वैसा ही मजा हुआ खिलाड़ी है, एकदम एक्सपर्ट है। Yeah, very good. First class. Oh my God. Oh my God. ये क्या हो रहा है पैराशूट को? ये ऐसे क्यों लहरा रहा है हवा में? मुझे लगता है जानबूझ के कर रहा है, स्टाइल मारने के लिए। जरूर कुछ गड़बड़। अरे कोई बचाओ योगेश को, प्लीज कोई कुछ करो। अरे कोई तो बचाओ योगेश। ओ माय गॉड योगेश, योगेश योगेश योगेश। Oh my God, he's dead. अभिजीत सर, सर आप मेरी फैमिली से भी बढ़कर हो सर। मैं तो करीब करीब मर ही गया था। आप जेल में सर। बीड़ी, मैं आ गया हूं ना, बहादुर बनो। ये बुजदिली के आंसू नहीं है सर, सीआईडी के लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से फंसा दिया दुश्मनों ने। बस ये समझ लो सब लोग कि आगे से सबको होशियार रहना पड़ेगा। सब लोग बहुत ही खुश हैं सर आपको ब्यूरो में वापस देख के। मैं भी बहुत खुश हूँ विवेक। वैसे फंसाने वालों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। अगर अभिजीत, मेरे दिल ने इस झूठ को स्वीकार नहीं किया। मुझे पता था तुम ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। बिना किसी वजह तुम किसी मुजरिम पर गोली चला ही नहीं सकते। सर पर बीच में ऐसा लगने लगा था कि मैं मझधार में फंस गया, बिल्कुल अकेला पड़ गया। ऐसा हो सकता है? हम लोगों को मालूम था कि तुमने कुछ नहीं किया, मगर कानून कानून है और उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बात तुम भी जानते हो। और फिर ये मीडिया वाले, उन्होंने आग में ऐसा घी डाल दिया था कि हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। उनको भी क्या दोष दे सकते, वो लोग अपना काम कर रहे थे। छोड़ो, इस अग्नि परीक्षा में से तुम बेदाग बाहर निकले ये भी बहुत हो गया। पर सर, इस जोरावर के चक्कर में आप ही कैसे फंस गए? ये समझ लो फ्रेडी कि जोरावर के सितारे चमक रहे थे और मेरे गर्दिश में थे। हाँ सचिन, कहाँ पर? हाँ सचिन सर, इसका नाम योगेश है। स्कीटो नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी है इसकी। पैराग्लाइडिंग का शौक था और यहाँ से आके पैराशूट से कूदा करता है। आप लोग जरा पीछे हट जाइए प्लीज, पीछे हट जाइए, पीछे प्लीज। सचिन, बॉडी को चेक किया? हाँ सर। तो कोई घाव या जख्म के निशान तो नहीं दिख रहे, सिर्फ खरोंच को क्या कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से कूदते वक्त हार्ट अटैक आया हो? नहीं सर, इसके कोच से मैंने पूछा, उसका कहना है कि इसे कोई दिल विल की बीमारी नहीं थी सर। इनफैक्ट इसका तो पूरा चेकअप भी हुआ है कूदने से। अच्छा सर, देखिए तो मेडिकल रिपोर्ट। सर, योगेश की मेडिकल रिपोर्ट। आप? ये मदन है सर, योगेश के कोच। जी, इनको पैराग्लाइडिंग सिखाते हैं सर। योगेश का मेडिकल रिपोर्ट तो एकदम ठीक ठाक है। तो फिर सर, इसकी मौत कैसे हुई होगी? काजल, कोई भी आदमी इतने ऊपर से धार करके नीचे गिरेगा तो उसे चमत्कार भी नहीं बचा सकता, उसकी तो मौत ही होकर रहेगी। वैसे सचिन, जब ये नीचे गिरा तो क्या ये जिंदा था? सर, मुझे तो लगता है कि इसकी मौत नीचे गिरने से पहले ही हो गई थी, हवा में। क्योंकि जब मैंने इसे नीचे गिरते हुए देखा तो इसने अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोशिश की, बिल्कुल बेजान पत्थर की तरह आके नीचे गिरा। मदन जी। जी सर। हवा में ऊपर जाने से पहले ये ठीक ठाक था? जी सर, बिल्कुल ठीक था। और उसका पैराशूट, वो ठीक था? सर, पैराशूट उड़ाने से पहले हमने देखा कि पैराशूट की एक रस्सी कटी हुई थी। क्या? पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी? तो फिर तुमने उसे हवा में जाने कैसे दिया? नहीं सर, हमने फिर उसको दूसरा पैराशूट दिया। दूसरा पैराशूट दिया? अच्छा, ये बताओ ये पैराशूट की रस्सी कटी कैसे? किसने काटी है? नहीं सर, लेकिन हमने जानने की बहुत कोशिश की। फिर? कुछ नहीं पता चला। अगर पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कोई तो योगेश को मारने की कोशिश कर रहा था। वो है कौन? वो सर योगेश की गर्लफ्रेंड शीला भित्री। हो सकता है इसे कुछ पता हो। शीला? जी सर। क्या लगता है तुम्हें किसने किया होगा? पता नहीं सर कौन है, लेकिन हाँ सर, कुछ दिनों से एक आदमी मुझे धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा है। धमकी भरे मैसेजेस भेजना? कौन है ये? तुम जानते हो उसे? नहीं सर। तो दिखाओ तुम्हारा सेलफोन दिखाओ। हाँ सर, ये देखिए सर। योगेश से दूर हो जाओ वरना ठीक नहीं होगा। दूसरा मैसेज है, योगेश से दोस्ती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बड़ा चालाक है ये। दोनों भी मैसेजेस अलग अलग नंबर से भेजे हैं। हाँ सर, जब मैंने भी इन नंबरों पर फोन करने की कोशिश की तो ये नंबर नहीं लगे। फोन बंद है सर। अच्छा सजित, जरा ट्राई करो तुम्हारे फोन से दोनों नंबर से। अच्छा ये बात बताओ कि योगेश का किसी के साथ कोई झगड़ा था? नहीं सर। कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं। याद करो। चल हाँ, दोनों नंबर से लेकर हाँ सर, कुछ पता चला कैसी मौत हुई इस आदमी की? नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि मैंने इसकी खोपड़ी का एक्सरे निकाल के देखा। ये देखो, खोपड़ी में क्रैक है ये। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है बॉस कि अगर इसकी खोपड़ी में क्रैक है तो इसके सर पर भी तो चोट का निशान होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए। हाँ पर निशान नहीं है इसके सर पर। नहीं है? हाँ आओ देखो, मैं बताता हूँ। ये देखो, कहीं भी यहाँ पर कोई चोट का निशान। हाँ यार, इसने हेलमेट पहना हुआ सर। फिर इसके सर की हड्डी टूटी कैसे? वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, पता लग जाएगा बॉस। डॉक्टर सोनाली? यस सर। कोई उंगलियों के निशान मिले पैराशूट से? जी सर मिले। 3 अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान। किसके है कुछ मालूम पड़ा? सर पहली उंगली का निशान तो इस मरने वाले योगेश का है, दूसरा उस कोच मदन का, और तीसरा किसका है वो समझ में नहीं आ रहा। तीसरा समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, जब ये योगेश पैराग्लाइडिंग कर रहा था तब जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सबके उंगलियों के निशान लेते हैं, मैच करके देखते हैं। और फिर शीला को धमकी भरे मैसेजेस कौन भेज रहा है? कहीं दोनों के पीछे एक ही आदमी तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता। तो मास्टर था, मास्टर पैराशूट से कूदने में। उसकी जैसी पैराग्लाइडिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। He was the best। पर अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? सर सब लोग कह रहे हैं कि योगेश सर की मौत एक्सीडेंट की वजह से हो गई। नहीं, योगेश की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसका खून किया गया। खून? हाँ खून। किसने किया खून? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप लोगों में से कुणाल कौन है? कुणाल तो नहीं। ओह, योगेश की गर्लफ्रेंड शीला को धमकी भरे मैसेज तुम ही भेज रहे हो ना? ये सब झूठ। मैंने किसी को धमकी भरा ऐसे मैसेज दिया। झूठ मत बोलो कुणाल, जिस नंबर से शीला को मैसेजेस गए हैं वो तुम्हारा ही मोबाइल नंबर है। हाँ तुम्हारा नंबर। अब कुणाल क्यों देगा धमकी शीला को? किसी से पूछो यही बताएगा। ये नहीं चाहता था कि शीला योगेश के पास आए और इसीलिए उससे दूर रहने के लिए कहता है। Oh my God! हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया शीला को। योगेश का खून तुमने ही किया है। ये सब झूठ है। अब सब लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। मैं भला अपने भाई का खून क्यों करूंगा? क्योंकि तुम हम दोनों के प्यार से जलते थे कुणाल। ये सब बकवास है। बकवास नहीं, बकवास नहीं, सच है ये, सच। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया। तुमने उसी का खून कर दिया। मैं मुंह बंद करने दो। नहीं तो क्या मुझे भी मारोगे? मुझे भी मारोगे? आप लोग चुप हो जाइए, बहुत हो गया आप लोग का झगड़ा। चलिए हमारे साथ जुड़ो आप लोग। देखिए अगर आप जबरदस्ती मेरे मुंह से हाँ निकलवाना चाहते हैं तो मैं अभी हाँ कह देता हूँ। जबरदस्ती की बात नहीं है, ये सच्चाई सुननी हमें, सच्चाई। खून का मामला है, खून किसने किया है ये तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब आप खूनी की तलाश कर रहे हैं, आपको खूनी मिल नहीं रहा है इसलिए आप मुझे बकरा बना रहे हैं ना। मतलब वो सिम कार्ड तुमने खरीदा ही नहीं, वो मैसेज भी तुमने नहीं भेजा? नहीं। तो ठीक है सचिन, तो इसके दोस्त को लेकर। दोस्त? हाँ दोस्त। मेरा कोई दोस्त नहीं है। इतनी जल्दी रिश्ते नाते सब तोड़ लिए? हाँ याददाश्त कम होती जा रही। ये लो आ गया तुम्हारा दोस्त। ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार? कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। मैं तुम्हें कहाँ फंसाऊंगा, मैं खुद फंसा हूँ यहाँ पर। अरे तुम फंसे हो तो फंसे रहो, मुझे क्यों फंसाया? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम उस सिम कार्ड से किसी को धमकी देने वाले हो तो मैं तुम्हें वो सिम कार्ड कभी नहीं देता। सचिन रोहन को ले जाओ। चलो। क्यों बोलती बंद? लगता है सांप सूंघ गया। जोर का झटका काफी जोर से लगा है सर। इसे डर था कि कहीं इसकी सच्चाई योगेश को पता ना चल जाए और इसीलिए इसने योगेश को मार डाला। किस सच्चाई की बात कर रही हो? इसने योगेश की कंपनी से पैसे चुराए हैं, बहुत दिनों से चुराता आया है। मुझे इस बात का पता चल गया और मैंने योगेश को बता दिया। फिर दोनों में इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। झूठी है ये, झूठ बोली इसने। झूठ बोल के दोनों भाइयों के बीच में दरार दे दी इसने। इनफैक्ट सर योगेश तो ये पता लगाना चाहता था कि ये सारे पैसे जा कहां हैं। पता लगने से पहले तुमने खून कर दिया योगेश का। क्यों? मैंने कोई खून नहीं किया। सच बोलता है या नहीं? किसने भेजा था वो एसएमएस? मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत ड्रामा कर लिया तुमने, समझा? हाँ बहुत ड्रामा कर लिया। बता किसने भेजा तो मैसेज? हाँ बता दो एसएमएस मैंने ही भेजा था। तो इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहे थे? इस आदमी के जबान पर बिल्कुल विश्वास नहीं रख सकते। योगेश का खून इसने ही किया है। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया है और मैंने कोई पैसे भी नहीं चुराए सर। अभी पता चल जाएगा। अच्छा इसके उंगलियों के निशान ले लो और पैराशूट पर जो उंगलियों के निशान मिले उससे मिला कर दे सब। चलो स्कैनर पे हाथ रखो दोनों को। ठीक है खड़े हो जाओ वहां जाके। बस 2-3 मिनट बाकी हैं और इतना ही टाइम है तुम्हारे पास। ये बता दोगे तो शायद हम लोग कुछ मदद कर सकें। और एक बार पता चल गया कि खून तुमने किया है तो गए काम से। हाँ ठीक है। सर फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख लिया तो पैराशूट पर जो उंगलियों के निशान हैं वो कुणाल के नहीं। क्या देखो सर, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ सर, उनके बॉस, मैंने आप लोगों को इसकी खोपड़ी पर एक क्रैक दिखा। उनके अब ये मत कहना कि उस क्रैक की वजह से इस बेचारे की मौत हो गई। अरे सच्चाई यही है तो बोलना तो पड़ेगा ना यार। मतलब उसी क्रैक की वजह से ये मर गया बेचारा? हाँ। अरे मगर सर, ये हड्डी टूटी तो टूटी कैसे, ये बताइए ना। इस आदमी की हड्डी हवा में ही टूट गई और इसकी मौत भी हवा में ही हो गई। ये समझो, तुम क्या दिमाग घुमा देने वाली बात कर रहे हो यार। अरे हवा में हड्डी कैसे टूट सकती है? बॉस, दिमाग घूमे या कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई यही है, इस आदमी की हड्डी हवा में ही टूट गई। कैसे? स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज की वजह से। स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज? ये क्या होता है? सचिन, ये एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज की लास्ट स्टेज आ जाए तो इंसान की हड्डियां अपने आप टूटने लगती है। अच्छा अच्छा, तो इसे ये बीमारी थी? नहीं। ये क्या बात हुई? अभी आप कह रहे हैं कि आखिरी स्टेज पे हड्डियां टूटने लगती हैं, अब आप कह रहे हैं कि इसे ये बीमारी थी नहीं। अभिजीत, क्या है? अब क्या 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 है तारिका जी? अभिजीत, एक टेट्रानिक्सोसिन नाम का केमिकल होता है। अगर ये केमिकल किसी को पिला दिया जाए तो उसे स्टिफ इंडिविजुअल बीमारी जैसा असर होने लगता है। योगेश को टेट्रानिक्सोसिन पिलाया गया था? बिल्कुल बॉस, इस आदमी को टेट्रानिक्सोसिन ही पिलाया। उन्हें बहुत ही चालाक है, बहुत कम लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होता और इसीलिए ऐसे केसेस सॉल्व करने में कई बार बड़ी मुश्किल आती है। यार मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है साहब, पहले भी इस तरह की एक दो केसेस आई है मेरे सामने, उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। काम करते हैं, हमारे पुराने केसेस के रिकॉर्ड चेक करते हैं, देखते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सुसाइड केसेस, मतलब आत्महत्या और एक्सीडेंट की फाइल अलग अलग रखी है ना? यस सर। बस दिखाओ हमें फाइल। सर, आत्महत्या की ये 4 फाइलें हैं। ओके, थैंक यू। और एक्सीडेंट की फाइल? जी सर। सर, एक्सीडेंट की 7 फाइलें हैं। थैंक यू। विवेक, देखो जरा इसमें रणविजय की फाइल है क्या? यस सर। आप जाइए ना, हमें जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। जी सर। थैंक यू सर। हाँ ये रही। रणविजय, उम्र 24 साल, अमेरिका में कार एक्सीडेंट में मौत हुई, अमेरिका में, और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे इंडिया में। हाँ देख, लिखा है यहाँ पर, मौत के बाद लाश को यहाँ भेजा गया इंडिया में, लाश को अच्छी तरह से चेक किया गया, लाश बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये सारे के सारे मरने वाले 20 और 25 साल के बीच में ही थे और सारे पैसे वाले भी थे। यही तो, इतने कम उम्र में पैसा। विवेक, ये पैसा भी कभी कभी जान का दुश्मन बन जाता है। इन सभी लोगों के घर वालों से जाकर पूछताछ करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए क्या हुआ था इनके एक्सीडेंट के दौरान। रणविजय तो कार रेस का दीवाना था। पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई जो कार रेस में उसकी इस तरह मौत हो गई। अब यूएस में हुई थी ना ये घटना? जी, आप लोग वहां पर थे जब ये एक्सीडेंट हुआ? नहीं, हम लोग वहां नहीं थे, मगर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमें लगता है कि रणविजय की मौत एक एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उसका खून किया गया है। खून? मगर उसका खून कोई क्यों करेगा? हम लोग भी वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिन दिनों ये एक्सीडेंट हुआ उस दौरान की कोई ऐसी घटना जो आप लोगों को याद? ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ उसे एक लड़की से प्यार था और इस कार रेस के बाद वो दोनों शादी करने वाले थे। कौन थी वो लड़की? ये तो हमें नहीं मालूम। और कुछ बता सकते हो उस लड़की के बारे में? ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं, लेकिन उस लड़की के हाथ पे एक जले हुए का निशान था। उसकी प्लास्टिक सर्जरी वो करवाने वाला था। उसके हाथ पे जले हुए का निशान था? जी हाँ। हाँ उसने पैसा भी बहुत उड़ाया उस लड़की के पीछे। कुछ ही महीनों में लाखों का हिसाब किताब था। लाखों का हिसाब किताब। फिर ऐसा क्या खरीद लिया उसने जो कुछ ही महीनों में लाखों का हिसाब किताब हो गया? ताशा, इस तरह के और भी केसेस हुए जिनमें कहीं ना कहीं लड़की का ही हाथ था और उन केसेस में भी लड़की के ऊपर बहुत सारा पैसा लुटाया गया। इस लड़की को ढूंढते हैं, वही सुलझाएगी ये पहेली। एक बार ये पता चल जाए कि ये पैसे जा कहाँ रहे तो ये भी पता चल जाएगा कि वो औरत है कौन जो खून कर रही है। सर एक बात देखिए आपने, ज्यादातर खून सिर्फ पैसों के लिए हो रहे हैं। हाँ इस कंपनी में से भी पैसे गायब हुए। ऑफिसर आप लोग कैसे हैं? कुछ पता चला कि खून किसने किया? हाँ मिस्टर कुणाल, खूनी वही आदमी है जिसने इस कंपनी से पैसा गायब किया। सर पर इस बात का पता कैसे चला? कहानी बड़ी लंबी है, बाद में बताइए। पहले हमें कुणाल का अकाउंट चेक करना है। और श्योर आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। आपका पासवर्ड क्या है? 1307469 769। ये क्या? थोड़ा थोड़ा करके कई बार आपके अकाउंट से पैसा निकला है। हाँ सर, इसी बात पर योगेश ने मुझ पर शक किया था, लेकिन अजीब बात तो ये है कि सारा पैसा मेरे ही अकाउंट से निकाला गया। ये पैसा गया था, कौन ले गया कुछ मालूम नहीं? हाँ नहीं सर, इनफैक्ट हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। ठीक है, मैं ही कोशिश करके देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये हुई ना बात, पता चल गया। ये सारा का सारा पैसा किसी स्मोक नाम की कंपनी के अकाउंट में है। स्मोक नाम की कंपनी? इस कंपनी के बारे में जानते हो तुम? कौन है मालिक इसका और ये कंपनी है कहाँ पे? नहीं सर, इनफैक्ट इसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम तो पता लगा ही लेंगे कि ये पैसा गया कहाँ। ये कोई स्मोक आयन सी कंपनी का ऑफिस नहीं, घर लगता है। आजकल लोग घर में भी ऑफिस खोल लेते हैं। पूरा घर खाली लग रहा है। सर लगता है उन्हें पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। नहीं ताशा, पता कैसे चलेगा? ताशा एक काम करो, अंधेरा बहुत है, देखो स्विच कहाँ है, लाइट चलाओ। ये तो शीला की फोटो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका घर है? इसका मतलब ये पैसा शीला ने ही रखा है और योगेश का खून भी इसी ने किया है। एक काम करते हैं, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये देखा क्या है? रणविजय की फोटो, जिसकी कार रेस में मौत हो गई। रणविजय की फोटो मैंने किधर देखी? और ये देखिए, ये स्कीटो कंपनी की फाइल, पूरी डिटेल्स है इसमें। लगता कोई है। आवाज यहीं से आ रही है। ताशा, एम्बुलेंस को बुलाओ। लड़की उसे मर डालेगी। और लड़की मदन, मर गया? शायद किसी लड़की की बात कर रहा था। ये शीला ही हो सकती है, और कौन होगा? ये काम करता हूँ, कुणाल को फोन करता हूँ, पता करता हूँ कि शीला आज ऑफिस आई थी। सर, एम्बुलेंस आ रही है सर। शीला आज ऑफिस नहीं आई, हमें जल्द से जल्द शीला को ढूंढना होगा। ये फटे हुए टुकड़े मिले, इसकी मिट्टी और ये फटे हुए कागज के टुकड़े हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। सारे फाइल्स में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो योगेश की तरह मारे गए हैं, एक्सीडेंट का बहाना देखे। सब के सब पैसे वाले थे सर। कहीं ये शीला पैसों के लिए तो फोन नहीं कर रही? हो सकता है, अभी हो सकता है। ये शीला बड़ी चालाक औरत है, सारे गुना ये कर रही है और डाल रही है कुणाल के। पैसे का मजा ये लूट रही है और सजा भुगत रहा है कुणाल। सर, हाँ सर, हमने फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख लिए। तो क्या पता चला? सर, हमें जो उंगलियों के निशान शीला के घर में से मिले हैं, वो उंगलियों के निशान और पैराशूट पर से मिले हुए उंगलियों के निशान मैच हो गए। शीला भी वहां पर थी जब ये योगेश पैराग्लाइडिंग कर रहा था। अभी किसी और को मारेगी। अभी तो मदन के पास से जो कागज का टुकड़ा मिला था, उसके बारे में क्या पता चला? सर, उस पे STC लिखा हुआ था। ये कोई कंपनी है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करती है। सचिन इस कंपनी के बारे में पता करने गया है, आता ही होगा अभी। सर, हाँ, ये एक स्कूबा डाइविंग क्लब है और कुणाल आज वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाने वाला है। कुणाल आज वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाने वाला है, इसका मतलब कुणाल की जान को खतरा है। सर, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा देर तक पानी में रहने की। आज पता तो चले कि कितनी गहराई तक जा सकता हूं। कोशिश करना, और अगर कोई खतरा दिखाई दे तो मुझे बताना। सर, इस पूल में क्या खतरा हो सकता है? सर, फिर भी पानी से ज्यादा बहस मत करना। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, मैं वहां बैठा हूँ। ओके सर। कुणाल सर, हाँ रमेश सर, आपका जूस रेडी है। ठीक है, थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? आप वो मैं सीखने आई हैं? जी नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ पर विजिटर्स नॉट अलाउड है प्लीज, तो बेहतर होगा कि आप चले जाइए यहाँ से प्लीज। या थैंक यू। जूस पी लो। थैंक्स पूजा। फिर पानी के अंदर जाना। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। देखो कुणाल, यही कहीं होना चाहिए। कुणाल, कुणाल, पूजा, पूजा। सर आप लोग यहाँ पे? कुणाल, कुणाल कहाँ है? क्यों, क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं मगर बहुत कुछ हो सकता है। जल्दी से बताओ कुणाल है? सब पहले बात तो बताइए क्या है? कुणाल की जान को खतरा। सर कुणाल की जान को खतरा? हाँ। सर वो पानी के अंदर। पानी में? विवेक पानी में जाके देखना पड़ेगा। ताशा देखो शीला कहाँ पे है, ढूंढो उसे। क्यों डर गई ना? अरे अच्छे अच्छे डर जाते हैं सीआईडी के नाम। तो तुम क्या चीज? मैंने क्या किया है ये तो तुम खुद भी जानते हो। मैं कुछ नहीं जानती मगर हम जानते हैं। तुम्ही ने योगेश और मदन का खून किया और अब यहाँ कुणाल का खून करने आई। क्या मदन का खून हो गया? जी हाँ, उसकी लाश मिली है तुम्हारे घर से। मेरे घर से? मदन की लाश? नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, हो गया है। तुम रिवर्व्यू बिल्डिंग में रहती हो ना? नहीं, मगर तुम्हारी फोटोज तो हमें उस घर में मिली। देखिए ये सब झूठ है ना, मैंने किसी का खून किया है और ना मैं रेवा भी बिल्डिंग में रहती हूँ। अभी पता चल जाएगा। अरे क्या कर रही हैं आप? कुणाल, कुणाल, क्या हुआ? कुणाल क्या? कुणाल ठीक है, ठीक है, कुणाल ठीक है। क्या हो गया? टाइम पे नहीं आते ना कुछ भी हो सकता था। इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस का इंतजाम करो जल्दी। चलो आइए आइए शीला जी, आपने तैयारी तो पूरी की थी कि कुणाल को आप मार दें, मगर अफसोस हम लोग सामने आ गए और ये हो ना सका। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? ये सच कह रही है, उन्हीं कोई और है क्या? हाँ सर, ये देखिए इसके हाथ पर कहीं भी कोई निशान नहीं है। ताशा, बाहर जाने का रास्ता बंद कर दो। यस सर। शीला नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? ताशा, बाहर जाने का रास्ता बंद कर दो। यस सर। शीला नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? कुणाल, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, हैं? घबराओ मत। एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। वेरी गुड, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। या ताशा, साथ में जाओ हॉस्पिटल। तब तक मैं इन लोगों से पूछताछ करता हूँ। आप लोग सब इधर लाइन लगाइए प्लीज, पीछे आइए, यहाँ लाइन लगाइए आप लोग प्लीज। आराम से समाज बताओ। एक मिनट में अभिजीत सर जल्दी से नीचे आ जाइए। जी आताशा सर, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गई। कौन है? के लेके जाओ। यस सर। पूजा जी आप एक आप रुकिए जरा। मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग को, हमारे साथ घूमती रही और पता भी नहीं चलने दिया। सर एक्टिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर? अभी पता चल जाएगा, अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखो, ये देखिए। क्या ये? तो मैंने कुछ नहीं किया, बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। हमें सब पता चल गया तुम्हारे बारे में। अब चुपचाप अपने मुंह से सब कुछ दब दो, नहीं तो। हाँ, ये सारे फोन मैंने ही किए, पहले रणविजय का फिर योगेश का। क्या? मदन और मैं बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे, इसलिए हमने धीरे धीरे कंपनी से पैसे निकालने शुरू कर दिए। और कंपनी से पैसे गायब हो रहे हैं, ये बात शीला को पता चली। और ये बात शीला ने जाके योगेश को बता दी। और योगेश को लगा कि ये काम शायद कुणाल ने किया, तो उसने जांच करवाने की बात। जांच की बात सुन के हम दोनों डर गए, इसलिए हमने योगेश को भी मार दिया। फिर मैंने ही शीला का नकली घर बना के वहाँ मदन को भी मार दिया। मदन को क्यों मारा? वो तो तुम्हारे साथ काम करता था ना। पर उसके मन में लालच आ गया था, वो चाहता था कि कंपनी के सारे पैसे को खुद ही रख ले, तो मैंने ही उसे मार दिया। आपकी ये प्लानिंग जेल में करना। ले चलो इसको। मैं जेल में जाऊंगी। आगे नहीं आना, एक एक को मार दूंगी। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। रुको। ताशा, ओ माय गॉड, उनको तो गोली लग गई। हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी। मैं अपने कैबिन में हूँ, कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म करना, ठीक है? डॉक्टर साहब, कैसी है ताशा? हालत बहुत नाजुक है इसकी सर, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप कुछ भी कीजिए मगर ताशा को बचाइए डॉक्टर साहब। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ऑफिसर, अब तो ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। मतलब क्या है आपका? हमने ऑपरेशन करके गोली तो निकाल दी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? प्रॉब्लम ये है कि गोली फेफड़े के आर पार निकल गई है। आप कुछ तो कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ऑफिसर, क्योंकि फेफड़ा पूरी तरह से फट चुका है। बेहतर यही होगा कि आप जितनी जल्दी हो उनसे जाके मिल लीजिए, ठीक है? ताशा, ताशा बेटा, देखो बेटा, घबराओ ना, बिल्कुल घबराओ नहीं। डॉक्टर ने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हम लोग हैं ना, मरी नहीं है और हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। ताशा की मौत उन अपराधियों के लिए करारा जवाब है जो सीआईडी को कमजोर समझते हैं। सीआईडी हमेशा ताशा की कर्जदार रहेगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।